भाई साहब, एंड्रॉइड की दुनिया में ना सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है। आपका रैम एकदम डबल हो जाएगा। आज की वीडियो में अगर आप बात सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है। हाँ दोस्तों, जो मैं बात कर रहा हूँ फनटच ओएस 14 का जो लेटेस्ट अपडेट है, जो बेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर में बहुत सारे डिवाइसेस में अपडेट हुआ, बट कुछ खास हुआ है कुछ डिवाइसेस में। अब देखो, जो भी एंड्रॉइड 13 पे थे, जो कि फनटच ओएस 13 था, उनको जो है ना बीटा वर्जन का रोल आउट वगैरह पुश करा गया। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो। यहाँ पे जो ना आपके जो भी डिवाइसेस है, फोन्स है, कैसे अपडेट आएगा, कब आएगा, करना चाहिए नहीं चाहिए, सब चीज मैं बताता हूँ। बट आज की वीडियो में बात करते हैं रैम का डबल होना। ये क्या बड़ी बात, मतलब नई चीज क्या है भाई? मतलब मैं भी कमाल का देख रहा हूँ। मतलब इसको मैंने देखा तो मैं भी शॉक हो गया। बट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, देखो जैसे एंड्रॉइड 13 से जाकर के 14 पे अपग्रेड हुआ, जो स्पेसिफिकली आईकू की तरफ से जो Z6 वाला 5G वाला जो मॉडल है, एंड साथ में जो Vivo का T1 Pro वाला जो मॉडल है, इन दोनों मॉडल में कुछ यूजर्स को क्या हुआ है कि जैसे उन्होंने फनटच ओएस 14 पे अपग्रेड करा, उनका जो वर्चुअल रैम था ना, जो 2GB था या 4GB था, वो सीधा 8GB में हो गया है। एंड किसी को जिसका 2GB था उसका 4GB हो गया, जिसका 4GB था उसका 8GB हो गया, किसी का 6GB था तो उसका भी 8GB हो गया। मतलब जो वर्चुअल रैम है ना, वो सीधा बढ़ गया है 8GB तक। अब ये सॉफ्टवेयर से ये सभी चीजें करा गया। एंड आपको पता होगा कि Vivo ने जो अपने लेटेस्ट जो फनटच ओएस है ना, अभी तक जितने भी डिवाइसेस में आए थे इसको रोल आउट नहीं करा था। इनका जो है ना रैम एक्सटेंडर करके एक सॉफ्टवेयर है जो इनबिल्ट करा गया, जिसकी वजह से जो ना जो वर्चुअल रैम है, जो पहले जितना साइज था उससे ज्यादा हो गया। कि अब फनटच वालों का कहना है कि भाई Vivo का बेसिकली कहना है कि इससे क्या होगा कि आपका रैम, वर्चुअल रैम ज्यादा रहेगा तो ज्यादा एप्स को आप मैनेज कर पाओगे। इसी के साथ में बैकग्राउंड में 24 एप्लीकेशंस को आप एक्टिव रख सकोगे, जिसकी वजह से जो ना इस रैम एक्सटेंडर को डाला गया। तो यानी जितना ज्यादा रैम रहेगा उतना ज्यादा एप्स जो है ना बैकग्राउंड में रन होता रहेगा और वो क्लोज नहीं होगा। यानी कि जो भी आप फेसबुक पे आप ब्राउज कर रहे हो, जैसे आपने क्लोज किया, जहां पे क्लोज किया, जब आप ओपन करोगे ना, फिर से वहीं से ओपन होगा। यूजुअली क्या होता है कि ऐप रिफ्रेश हो जाता है, तो वो ऐप रिफ्रेश नहीं होगा और कोई भी एप्लीकेशन में काम करेगा। 24 एप्लीकेशन का सपोर्ट है। तो आपके फोन में अगर आपने फनटच ओएस 14 को अपग्रेड कर लिया है, तो अगर आपको ये वाला फीचर मिला है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो एंड फनटच ओएस 14 के बाद में आपका क्या एक्सपीरियंस है। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड जो भी कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड बाकी प्लेटफॉर्म पे अगर फॉलो नहीं करते हो तो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके फॉलो कर लेना। एंड बाकी मैं मिलता हूं गाइस आपसे अगली वाली वीडियो में ऐसे ही मजेदार सा अपडेट लेकर। तब तक लिए बाय।